Christina. Taylor? टेलर कहाँ हो तुम? क्रिस्टीना, कोई है? Christina. 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 Please, बंद करो ये सब. Christina. Hey, क्या कर रही हो? रुको रुको, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं. Relax. ऐसा मजाक मेरे साथ दोबारा मत करना. पागल हो गया? देखो देखो, छोड़ो मुझे. शांत, मैंने तुम्हें यहाँ जाने दो, जाने दो. नहीं छोड़ूंगी मैं इसे. क्या कर रही हो? ठीक है, जाने दो. छोड़ो तुम प्लीज. मैं मजाक कर रहा था. बेवकूफ हो तुम. ओके, कम ऑन यार. थैंक्स. अब तो इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए. जो भी हो, ऑल राइट गाइस, मुझे पता है कि अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है. हमने काफी दिनों से ऐसा कोई काम नहीं किया. अलेक्सिस, वो हमारे लिए दूसरी जगह जल्द ढूंढ लेगी. अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, यहां तक कि बोर्डिंग हाउस में भी कुछ नहीं मिला. इस घर में हमें ऐसी बहुत सी जगहों पर तलाशी लेनी है जहां हमें पुख्ता सबूत मिल सकते हैं. आज रात हमें यहां कुछ भी नहीं मिला इसलिए कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह भूतिया नहीं, असाधारण शक्तियों को इस तरह से नहीं देखा जा सकता, ये तुम जानते हो मैट. अभी तक कुछ भी नहीं मिला, ये पागलपन है. अभी तक हमने खोजबीन में 10 घंटे बर्बाद किए हैं. तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? एक मिनट. हे, क्या हो रहा है? नहीं, हम लोग अभी नहीं निकले यहां से. हमें कुछ भी नहीं मिला. बिल्कुल, हमें आशा है कि हम ऐसा कर सकते हैं. शायद हम मदद कर सकते हैं. थैंक्स. अलेक्सिस का फोन था, उसे एक कॉल आया था. फैमिली का कहना है उसका घर भूतिया है. ऐसा हुआ तो अच्छा ही है. दरअसल मैं उम्मीद करता हूं कि वहां कुछ ना मिले. उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए हैं. चलो निकलते हैं.
क्रिस्टीना से तुम्हारी कोई बात हुई? हाँ, उससे बात हुई थी। वो अभी भी हमारे साथ काम करना चाहती है, लेकिन वो टेलर के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब तुम क्या करने वाले हो? इस समय तो मैं उसे मॉनिटर करने के लिए रखूंगा। पता है तुम रास्ता निकाल ही लोगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। हम लोग पहले की तरह साथ मिलकर एक बार फिर से काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। क्यों? हमने साथ में अच्छा काम किया है। मैं किसी और के साथ हूँ। तुम सच में सीरियस हो? हाँ, लेकिन हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। पर तुम गलत मत समझना। हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। पॉल, प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। थैंक्स। छोड़ो इसे, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हमें आशा है कि हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद हम मदद कर सकते हैं। मैट, मैं देख रही हूँ ना। कम ऑन, जाने से पहले मुझे देखना है। तुम्हारी भूत की कहानियों से बोर हो गई हूँ। तुम्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। देखो, अगर पिछले कुछ महीनों की तरह इस बार भी हुआ तो जानती हो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ओ, मेरा शिकारी परेशान हो गया। मैं परेशान हूँ कि पूरी रात बर्बाद करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला और उस गधे टेलर के साथ वक्त बिताना पड़ा। किसी और को साथ ले जाओ। किसे ले जाऊं? ये मैप्स को ज्वाइन करना आसान नहीं है। इसके अलावा उन्हें जो कुछ भी मिला वो झूठ है। उनके हर एपिसोड में बस फ्लैशलाइट ऑन ऑफ होती है। तो ये सब छोड़कर तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? जानती हो ना ये मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं जाकर कुछ पढ़ लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए शोज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पैरानॉर्मल को अस्पष्टीकृत घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो विज्ञान में अनुभवों की उस सामान्य सीमा से बाहर होती है। लेकिन मेरी टीम और मैं विज्ञान के जरिए कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन हम विज्ञान का उपयोग करते हैं और ऐसी घटनाओं को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं। हम उन सभी स्थानों की निगरानी के लिए IR कैमरों का उपयोग करते हैं जिनकी हम जांच करते हैं। ये हमें हमारे सबूतों को दूषित करने वाले किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह दिखाता है और ये आत्माओं को देखने में हमारी मदद करता है। कैमरा 6 तैयार है। बिल, तुम जरा सिग्नल चेक करोगे। मैरी बेथ, तुम सुन रही हो? मैरी, तुम यहाँ हो? इस डिवाइस से हम तुमसे बात कर सकते हैं। बस तुम इसमें बोलो और हम तुम्हें सुन लेंगे। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम EVP सेशन के लिए व्हाइट नॉइज जनरेट कर रहे हैं। व्हाइट नॉइज उत्तेजक की तरह काम करती है। hey, तुम्हारी उससे कुछ बात बनी क्या? वो किसी और को डेट कर रही है। सच में? हाँ। सॉरी दोस्त, जो होना था वो हो गया। लेकिन तकलीफ तो होती है ना? हाँ हाँ, होती तो है। खैर चलो, काम शुरू करते हैं। ओके। अरे छोड़ो ना यार क्रिस, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? आई एम सॉरी। पहाड़ में जाओ। देखो, तुम कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करना चाहती थी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। टेलर, पहाड़ में जाओ। ओके, तो केस ऐसा है कि जोहेंसन परिवार कुछ महीने पहले वहां आया था। बस एक हफ्ते के अंदर उन्हें घर की चीजें बड़ी अजीब ढंग से इधर से उधर दिखाई दी।
उसके एक हफ्ते बाद उन्हें बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दी, जो एक लंबे आदमी की परछाई देखने के बाद अचानक गायब हो जाती थी। सबसे बड़ी बच्ची सारा ने बीजी बोर्ड के इस्तेमाल से आत्माओं से बात करने की कोशिश की। उसके बाद चीजें सब बिगड़ गई। मतलब उन पर जानलेवा हमले हुए? बिल्कुल सही, ज्यादातर चीजें सारा के साथ ही हुई। जब उसका जनरल खोया तो उसने अपने भाई को डांटा, उस पर चिल्लाई, और जब वो वापस अपने कमरे में गई तो सारे कागज दीवार पर चिपके हुए थे। उसके बाद जब उसकी माँ काम से बाहर गई हुई थी तो सारा बेन के साथ घर पर अकेली थी। बेन टीवी देख रहा था और जब सारा ब्रश कर रही थी तभी इस तरह की चीजें सारा के साथ लगातार होने लगी और सारा को चोट लगी देख स्कूल वालों ने उसकी माँ लीज को बुलाया। वो लोग चले क्यों नहीं गए? लीज ने सारा पैसा उस घर में लगा दिया था। लीज ने बहुत चर्च में बात की थी लेकिन वहाँ सिर्फ उनको वादे मिले। वो उम्मीद कर रही थी अगर हमें कुछ पक्के सबूत मिल गए तो उसे वाकई वो मदद मिल जाएगी जो उसे चाहिए। नहीं, वो लोग नहीं आए। नहीं, किसी को हमारे घर भेज दीजिए प्लीज। नहीं प्लीज, सुनिए, फाइनली एक असली केस मिला। लगता तो ऐसा ही है लेकिन ये केस खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ रहें, कोई भी एक दूसरे से अलग ना रहें। और आज रात मुझे कोई मजाक नहीं चाहिए। क्रिस्टीना मॉनिटर पर रहेगी, एलेक्सिस और मैं टीम वन में होंगे, ट्रिलर तुम मैट के साथ रहोगे। देखा तुमने, वो एलेक्सिस के साथ है। बहुत हॉट है यार। मैं तुम्हारे साथ फंस गया हूं। चलो काम शुरू करते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम ये सब करना बंद कर दो। क्या? क्रिस और एलेक्सिस पर लाइन मारना बंद कर दो। मैं तो मजाक कर रहा था, एलेक्सिस मुझे पसंद है वैसे। तुम उन दोनों से दूर रहो, समझे मेरी बात? क्यों, डर रहे हो कि मेरे पास कुछ ज्यादा है देने को? तुम बाहर में जाओ। सब ठीक है ना? पूछो इससे। सब ठीक है। ये सब क्या हो रहा था? कुछ नहीं यार। कुछ नहीं, ठीक है। जाओ बच्चे, तुम जाओ, होशियार रहना। हाँ जरूर, हम यहाँ से 6 बजे निकल जाएंगे। ओ, इसकी जरूरत नहीं है, कुछ दिन मैं अपनी माँ के घर रहूंगी, इसी बहाने ब्रेक भी मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारी मदद करेंगे। चलो अंदर चलते हैं।
तो रात में डर तो नहीं लगेगा? नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ। आज रात कुछ असली महसूस करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। मैं कई महीनों से इसी दिन का इंतजार कर रहा था। सच कहूँ तो हर बार खाली हाथ लौटकर मैं थक गया था। हे गाइस, सारे कैमरा अच्छी तरह सेट कर दिए गए हैं। ठीक है। ओके, मैं टेलर, तुम दोनों ध्यान रखो बेसमेंट और किचन पर। हम दोनों बेडरूम और बाथरूम में जाकर देखते हैं, उसके बाद स्विच हो जाएंगे। वो जरूर एलेक्सिस को बेडरूम में लेकर जाएगा। देख लेना, आज रात को तो इसकी लगने वाली है। ओके, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। इस पावर बॉक्स से हाई ईएमएफ की रेटिंग आ रही है। शायद ऐसा कम दबाव की वजह से हो रहा हो। मेरा नाम टेलर है, ये मैं मैट। हम तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और साबित करेंगे कि तुम यहीं पर हो। हमसे बात करना चाहती हो? या तुम्हारी मौत हुई थी? इस परिवार को क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम्हें उनसे कुछ चाहिए तो हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम नाराज हो, वो तुम्हारे घर में है इसलिए। शायद हमें चलना चाहिए। क्या हम एक मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, क्या बात है? तुम जिसे डेट कर रही हो वो कौन है? पॉल, फिर वही बात। आखिर उसमें ऐसी क्या बात है? तुमने वादा किया था। वैसे मैंने सोचा था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम गलत सोचते हो, क्या हम वो सब भूल नहीं सकते? ठीक है, I'm sorry। होना भी चाहिए। क्या उन लोगों ने तुम्हें गुस्सा दिलवाया? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखा, यहां पर कुछ भी नहीं है। शुरुआत ही खराब है। आज रात कुछ असली महसूस करेंगे। भूतों का तो नहीं पता, पर कोशिश करूंगा कि आज रात को कुछ और मिल जाए। हाँ? अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो यहाँ आए क्यों? क्रिस और एलेक्सिस को ठीक से देखा है? इसी वजह से आए हो क्या बेवकूफ हो? मिसेस जॉनसन भी किसी से कम नहीं है। कैसे हो तुम यार? ये रहा तुम्हारा भूत। नहीं, ये तो तुम्हारे कर्म का फल है मेरे भाई। बकवास बंद करो। Hey क्रिस, तुम्हें मॉनिटर पर कुछ दिखाई दिया? सॉरी पॉल, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। रुको, तुम्हें कुछ मिला क्या? हाँ, लगता है दरवाजा खुल रहा है। मेरी आंखों पर टॉर्च मारना बंद करो यार। तुम बिल्कुल पागल हो। टेलर है वहां, लगता है उसके पैर में चोट लगी है। क्या हो रहा है? क्या टेलर ठीक तो है? हाँ वो ठीक है, वो बस सीढ़ी पर गिर गया था। सीढ़ियों पे गिर गया था? हाँ, पर अभी वो ठीक है। तुम लोगों को कुछ मिला अभी क्या? अभी तक नहीं, हम लोग दूसरे बेडरूम में जा रहे हैं। टेलर से कहो कि वो जरा देख कर चले। ठीक है, देख कर चलना। हाँ थैंक्स। मैं सीढ़ियों पर गिरा तो तुम्हें मजा आ रहा है क्या? तुम अपनी गलती से गिरे थे, समझे तुम? हम्म, ठीक है।
तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी मौत कैसे हुई? मैं जरा खाने के डब्बों को देख लेता हूं। उन्होंने बताया था कि डब्बे अजीब ढंग से गायब होते हैं। हाँ ठीक है, शायद से। अभी दो कमरे नीचे हैं। ठीक है। सुनो, पुरानी बातों के लिए आई एम सॉरी। मुझे लगा हम नई शुरुआत कर सकते हैं। मैं अपनी जगह टेलर या क्रिस को भेजती हूँ। ठीक है, टेलर को भेजता हूँ। हे क्रिस, तुमने टेलर और मैट को देखा? हाँ, वो लोग किचन में हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस पॉल। समझ गई, मैं कभी अपने एक्स के साथ काम नहीं कर सकती। तुम नहीं समझोगी, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? तुम्हें तो पता है ना। हे टेलर, पॉल को मेरी जगह तुम्हारी जरूरत क्या? है। मैं नहीं जा सकता, मुझे चोट लगी है, मैट को भेज दो। वो लिस के बेडरूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी वॉकी टॉकी बंद है। मेरे ख्याल से अब मुझे बेहतर लग रहा है। तुम पागल हो। ये और पॉल एक साथ ही अच्छे हैं। पॉल? हाँ, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। यहाँ तुम लोगों ने क्या किया? हमने यहाँ एक K2 स्वीप और एक छोटा EVP सेशन किया, लेकिन कुछ नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये आत्मा लड़कियों को टारगेट करती है। हाँ? तो अगर मैं अकेले ही कमरे में जाकर एक EVP सेशन करूँ तो? अब ठीक है, हम बेसमेंट से स्टार्ट करें। ठीक है। ठीक है। मैं बाहर वेट करता हूं। हेलो, मेरा नाम एलेक्सिस है, और तुम्हारा? लेजर सारा खूबसूरत है ना? तुम्हें सुंदर लड़कियां पसंद है? क्या मैं उनकी तरह सुंदर हूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे और मेरे बाल छुओगे? मेरी शर्ट पकड़ोगे? तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर हम चले गए तो हमसे बात नहीं कर पाओगे। Come on यार, मेरी वजह से ये खराब मत करो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं बस इस कमरे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने आया हूं। हाँ ठीक है, तुम भी कर लो, मुझे तो कुछ नहीं मिला। हाँ, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलो जाओ यहां से। क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसलिए। बकवास मत करो, मैं सबूत के लिए फोटो ले रहा हूं। फोटोज? तुम इसे सबूत कहते हो क्या? मेरा कैमरा फेंकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कहा छोड़ो मुझे और चले जाओ यहां से, अभी के अभी। ठीक है, भाड़ में जा सकते हो तुम। पागल।
दिमाग खराब है इसका। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें कुछ नहीं मिला? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, हमारे पास सबूत इकट्ठा करने का ये सबसे अच्छा मौका था, एक भी केटू हिट नहीं हुआ, क्या हो रहा है ये? अब इसे क्या हो गया? हाँ, वो परेशान है। अच्छा, तुम लोग यहीं रहो, मैं यहां से जा रहा हूं। उम्मीद है मेरी गाड़ी में किसी का सामान ना हो। रुको, क्या कहा? क्या हुआ? तुम बात नहीं करना चाहती? कभी सामने आओगी क्या? पॉल, तुम्हें जल्दी से यहाँ नीचे आना चाहिए। क्या हो रहा है? मैक, वो पागल हो गया है। तुम्हें मुझ जैसे मर्द के सामने आने से डर लगता है क्या? तुम लकी हो कि ये मेरा घर नहीं है, अगर होता तो तुम्हें दिखाता कि असली मर्द होता क्या है। तुम किसी को मारना चाहते हो? मुझे मारो, भगवान के लिए कुछ तो करो। तुम्हें बस बच्चे ही पसंद है। तुम्हें किसी को मारना है तो मुझे मारो, मारो मुझे, मुझे मारो। तुम कोई भूत भूत नहीं हो, मुझसे डर गई क्या? क्या हुआ? तुमने कुछ सुना नहीं? हाँ सुना। मैट, क्या हुआ बताओ? उसे चोट लगी क्या? नहीं, ऊपर रखी हुई प्लेट गिरकर टूट गई। मैं उसे उकसा रहा था, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। ठीक है, तुम लोग सामान पैक करो, यहां कुछ भी नहीं है। जानते हो, मुझे यहां कुछ मिलने की पूरी उम्मीद थी। मैं अच्छी तरह जानता हूं, हम सब यही चाहते हैं। अगली बार? हाँ, अगली बार, हमेशा की तरह अगली बार। तो ट्रेलर के साथ क्या हुआ था? वो आदमी पागल है, उसकी हरकतों से मैं परेशान हो गया हूँ। रुको, मैं केटू और वॉइस रिकॉर्डर किचन में ही भूल आई। ठीक है, मुझे जरा बैग देना। उसे पीछे ही डाल दो, ठीक रहेगा। ठीक है। क्या, कहाँ जा रही हो फिर? तुम वही बात। अरे मेरी बात तो सुनो एलेक्सिस, एलेक्सिस। क्या है? मुझे कुछ कहना है। मुझे बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो। सही है, अब सीडी प्लेयर को क्या हो गया है?
पता नहीं ये अजीब हरकतें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। बेब, बेडरूम में हूं। हे हे, सोई नहीं? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। इन सबसे परेशान हो गई हूँ। किस चीज से? तुम्हारी भूतों की बातों से। पता है, हमेशा की तरह इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं था। अच्छा है। चलो सोते हैं। हाँ, बस एक मिनट, मैं टीवी बंद करके आता हूँ। ओके। पानी का नल शायद खुला रह गया था, पाइप में कचरा फंसा होगा। पाइप की वजह से नहीं हुआ। बेब, यकीन करो, पाइप में कचरा भरा हुआ था। सच में मैट, डरावनी चीजों से मुझे दूर रखो। तुम सच कह रहे हो ना? सच बोल रहा हूँ बेबी। तो कल रात नल कैसे खुला छोड़ दिया? क्या कहा? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें नींद में चलने की आदत है, लेकिन नुकसान हो सकता था, जानती हो ना? मैं तो रात को उठी ही नहीं। हाँ, मैं भी नहीं उठा। ओहो, कोई बात नहीं, अब बस भी करो, तुम्हें नींद में चलने की आदत होगी। हाँ, सही कहा तुमने, ऐसा जरूर हुआ होगा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सॉरी मॉम, बस मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? मैंने ही सिंक का पानी खुला छोड़ा था ना? क्या? हम्म, क्या हो रहा है ये? खुला कैसे रह गया? ये पाइप शायद खराब हो गई है, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। हो गया क्या? सॉरी कौन कहेगा? जेमी, आई एम सो वेरी वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अब ठीक है। तुम्हें पता है सॉरी कहने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ भी। स्टोर जाके मेरी माँ की दवाई लानी होगी। ठीक है, उन्हें कब चाहिए? अभी। सच में? मजाक कर रही हो? कम ऑन मैट, उन्हें अभी दवा खानी है, कल की दवा मिस हो गई थी। वो हमेशा दवा पूरी खत्म होने का इंतजार क्यों करती हैं? मुझे नहीं पता, अब छोड़ो भी, वो हमेशा बताना भूल जाती हैं। हाँ छोड़ो भी,
तूने मेरी चाबी देखी? यही तो थी। हाँ लेकिन अब नहीं है। ठीक है मैं देखती हूँ। हाँ लेकिन मेरे K2 मीटर के साथ कहीं फेंक तो नहीं दी? तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, मिल गई। बढ़िया, लगता है आज का दिन कुछ अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना आपसे वो एक सिल्वर सेडान थी, और मेरे ख्याल से वो 2-सीटर थी। ओके, अरे नहीं वो पक्का। क्या हुआ तुम्हें? वहां घर में कोई है, मैंने कहा था ना भूत प्रेत के चक्कर में मत पड़ो। बेब यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, यकीन करो। ओ अच्छा, तो जाओ किचन में देखो। ठीक है मैं देखता हूँ। देखा, कहा था ना सब कुछ ठीक है जेम। मैं सच कह रही हूँ, वहां हर जगह डब्बे बड़े अजीब ढंग से रखे हुए थे, सारा सामान बिखरा हुआ था, और बच्चों के
गाने की आवाजें आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है मैट। आओ। शायद तुम टीवी देखते देखते सो गई थी और शायद तुम्हें वो चीजें सपने में दिखाई दी जो मैंने तुम्हें बताई थी। नहीं, सच में ऐसा हुआ था। मैंने कोई सपना नहीं देखा। मैं K2 स्वीप करता हूँ। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ठीक है। कुछ मिला? अभी तक तो नहीं। देखा, मुझे लगता है कि तुम हाई EMF के लिए सेंसिटिव हो। शायद इसी की वजह से अकेलापन महसूस होता है तुम्हें। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बेब, यकीन करो, ये सब मेरा रोज का काम है। सोफी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो दोबारा नहीं होगा। ठीक है। इसे आगे करना होगा। अब तुम्हें अच्छा महसूस होगा। हाँ। ओह, मैंने तुम्हें बाहर से फोन किया था। वो मैं टीपॉट की आवाज से डर गई थी, फिर मेरा फोन गिर के टूट गया। टीपॉट? बस करो। हे बेब, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ बना सकते हो या तुम्हें डर लगता है? मेरा मजाक बना रहे हो? मैं डर गई थी। तुम हमेशा जो भूत की फिल्में देखते रहते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। छोड़ो मुझे। ओह, प्लंबर का फोन है। तुमने उसे फोन किया था? हाँ। श्श। क्या? श्श। हेलो। ओ हाँ, 4 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, थैंक्स। सुनो, वो 4 बजे आएगा। अच्छी बात है। जानती हो अच्छी बात क्या है? क्या है? मैं लड़कियों को खुश करने में माहिर हूँ। ओ अच्छा, किसे खुश करने की बात कर रहे हो? तो तुम जानना चाहती हो क्या? तो तुम ठीक हो? क्या? बस ठीक हूँ। चुनाव इधर आओ, बताता हूँ। अच्छा, बनके दिखाता हूँ। ये लो, इधर आओ। नहीं प्लीज, छोड़ दूँ। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। हाँ, जाओ खोलो। तो तुम नहीं जाने वाले? मैं क्यों, मैं सारे काम करता हूँ। क्योंकि तुम आदमी हो, है ना? हाँ। तो अगर दरवाजे पे कोई किलर हुआ तो? सच में? हाँ सच में। ओह शिट। बाप रे। माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे लगा घर में कोई नहीं होगा। हाय, मेरा नाम डक है। मैं मैट हूँ। हाँ या। आपके घर में पाइप में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, इसी चलो चल कर देखते। हाँ। हैं। हाँ। ठीक है ठीक है। तो मुझे फिर से बताएंगे कि क्या हुआ था? तो कल रात पानी की आवाज से मेरी आंख खुल गई और जब मैं टैप बंद करने गया तो वहाँ पानी भरा हुआ था। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। जानते हो, इन पुराने पाइप में बहुत सारी एयर हो सकती है। ये जल्दी ठीक हो जाएगा, आसान है, पर
मुझे नीचे से आने वाली सभी पाइप्स को चेक करना होगा, ठीक है? हाँ तो तुम काम शुरू कर दो। हाँ तो ठीक है, मैं काम शुरू करता हूँ। ठीक है, इसे देख रहे हो? ये बॉयलर बिल्कुल नया जैसा, इसका शेप भी अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल नया है, बिल्कुल ठीक, अच्छी कंडीशन में। वैसे ये घर कितना पुराना है? ये 1940 का है। ओह, तब से तुम्हारा ही परिवार यहाँ रहता है? हाँ, मेरे डैड अच्छा? और शायद मैं, मेरा। हाँ ठीक है, इसे देखता हूँ। मेरा नाम मैट डॉवर है, मैं 44 ट्रेंडिंग सीट से बात कर रहा हूँ। यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड के सर में चोट लगी है और वो बेहोश हो गई है। ए, कैसी हो तुम? क्या हुआ था? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें दौरा पड़ा और तुम बिस्तर से गिर गई, इसी वजह से तुम्हारे सर पे चोट लगी है। मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, किसी ने मुझ पर हमला किया। मैंने डॉक्टर से बात करी है, उन्होंने कहा कि तुम्हें हल्के हल्के दौरे पड़ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि उस घर में जरूर कोई है। सब मेरी गलती है, पेबा, I'm sorry। ये सब मेरी इन्वेस्टिगेशन की वजह से हो रहा है। मेरा यकीन क्यों नहीं करते? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने कुछ देखा है। और हाँ, घर में कुछ भी होता तो पता चलता। तुम्हें किसी की परवाह नहीं है ना? Hey. हाय, हाँ हाँ मिस्टर डावर, हाँ मैंने अपना काम कर दिया है, यही बताने के लिए फोन किया था। मैं जाते वक्त आपके मेल बॉक्स में इनवॉइस डाल दूंगा, ठीक है? और आपकी मिसेस कैसी है? हाँ अभी वो ठीक है, काम करने के लिए थैंक्स। ठीक है ठीक है, अच्छा बाय बाय। ओह ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ड्रिंक है, चलो इसे पीते हैं। बच्चे सचमुच बहुत शैतान होते हैं। जेमी, टेस्ट से पता चला है कि तुम्हें माइनर अटैक पड़ा था, क्या हाल ही में तुम बहुत स्ट्रेस में थी? नहीं, मुझे एक घंटे में अपने स्कूल जाना है। ठीक है, हम तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ रिलीज कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस अपने आप को रिलैक्स रखिए और आराम कीजिए। आपको अगले हफ्ते फिर से फॉलोअप के लिए आना है, इसलिए जाने से पहले अपना अपॉइंटमेंट ले लेना। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। मुझे डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, घर में कोई है। Come on, babes. मैंने आज तक तुम्हारे जैसा घटिया घोस्ट हंटर नहीं देखा। बेब, मुझसे बात मत करो, जाकर मेरे कपड़े ले आओ। हाँ ठीक है। पी के मजा आ गया, आज बहुत काम कर लिया। बाय बाय।
यहाँ कोई है? मुझे अब यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? भगवान, भगवान, अरे भगवान, बचाओ, चलो जल्दी। मैं तुम्हें घर छोड़कर तुम्हारी स्क्रिप्ट लेकर आ जाऊंगा, ओके? मैं वहां नहीं जाऊंगी, उस घर में अकेले तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। मैं सोने जा रही हूं। ठीक है, अपनी दवाई खा लो। तुम कपड़े क्यों बदल रहे हो? पूरे दिन हॉस्पिटल में रह के हॉस्पिटल जैसी स्मेल आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। हाँ, जब तुम हॉस्पिटल में थी मैंने एक पैम्फलेट पढ़ा जिसमें लिखा था कि हॉस्पिटल जर्म से भरा हुआ है और मुझे बदबू आ रही है, इसलिए मैं शॉर्ट चेंज कर रहा हूँ और उसके बाद दोनों के लिए डिनर बनाऊंगा। ठीक है। तुम भूखी हो? नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। लाइट बंद कर दो। हाँ जरूर जरूर, से दवाई नहीं ली होती, हमेशा खुद की करती है। दवाई मैं Hey, मैट कहाँ है? तुम ठीक तो हो ना? उसने हम पे हमला किया। मैट को मदद चाहिए। क्या? तुम पर हमला किया? जल्दी करो, उसे कमरे से बाहर लाना होगा। हमें इसे कमरे से बाहर ले जाना होगा। हाँ, इसे सोफे पे लेकर चलो। ओके, चलो। क्या हुआ था? हम पे किसी भूत या शैतान ने जानलेवा हमला किया। यहाँ कुछ दिनों से अजीब चीजें हो रही हैं। कैसी अजीब चीजें? अजीब सी आवाजें, कबर्स का खुलना बंद होना, सामान का बिखरा होना।
उस चीज ने मुझे किसी गुड़िया की तरह मेरे कमरे में उठा के फेंक दिया था। इतना सब हो गया और बैंट ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। उसे लगा मुझे दौरे पड़ रहे हैं या मैं झूठ बोल रही हूं, पता नहीं। ग्लास कहाँ है? सिंक के ऊपर राइट कैबिनेट में। हे मैं ठीक हूँ। अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। क्या तुमने देखा उसे? हाँ मैंने उसे देखा, वो मेरा गला दबा रही थी। वाह, ये सब देख के तुम्हें मजा आ रहा है? नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये महसूस करने के मैंने बहुत इंतजार किया है। मैट, मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए मैट। पॉल, ये मत कहना कि इन्वेस्टिगेशन में तुम मेरा साथ नहीं दोगे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? हम इस पर काम करेंगे। मैं जा रही हूं। जे, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, ये पागलपन है। हे, अगर तुम डर गई हो तो दो रातों के लिए अपनी माँ के पास रह सकती हो। एक दो रातों के लिए? अगर मैंने तुम्हें कॉल किया तो अपने आप को लकी समझना, पागल। नहीं यार जेमी, सुनो मेरी बात। जेमी, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। हम पे भूत ने हमला किया और तुम अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे रुकने के लिए बोल रहे हो? हाँ सच है, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। तुम कुछ भी मत करो, बस कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर जाओ और शांत रहो। मैट, सब खत्म हो चुका है, ओके? और तुम जो इस भूतिया घर में रह सकते हो अपने डैड के बनाए हुए डरावने स्टैचू के साथ, समझे? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। जेम, मुझे अब तक क्या मिला? जानते हो मुझे अब तक क्या मिला? कोई भी अजनबी कॉल करके कहता है कि उनके घर में कोई आत्मा है, उन्हें अजीब सा महसूस होता है, तो तुम सारे काम छोड़कर उनकी बातों पर यकीन करके सब कुछ भूल जाते हो। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये सब मैं अपने शौक के लिए नहीं करता। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा मौका जिंदगी में एक बार ही मिलता है। सच? इसलिए मैं जा रही हूँ। जेमी, मेरी बात सुनो। जेमी, तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? और मैट, तुम मुझे कभी फोन मत करना। जेमी, मैं ड्रॉप करता हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ठीक है, भाड़ में जाओ। पॉल, ले जाओ इसे। ठीक है, चलते हैं। थैंक्स। क्या मैं वापस आऊं? अपना सामान साथ लेकर आना। ठीक है, देखता हूं। अब चले। भाड़ में जाओ। अरे अरे अरे, मुझे डराने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। कॉल्ड्रन, ये सब क्या है? शायद उसने बहुत होशियारी से काम किया है। आग कहां लगी है? हेलो, हे पॉल, वापस आ रहे हो? हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जेमी कैसी है? वो बहुत गुस्से में थी। मैं हाँ पॉल, आओ मेरे साथ खेलो। हे, काठी के घोड़ा घोड़ा
पॉल तुम ठीक हो ना? पॉल, हेलो, अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर दीजिए। ओ कम ऑन फोन उठाओ। हेलो, क्या वहां कोई एक्सीडेंट हुआ है? क्या कोई है वहां? तुम कौन हो? कौन बोल रहा है? ये कोई मजाक नहीं है, किसी बड़े से बात कराओ। सब क्या हो रहा है? डैमेज। डॉग, फोन उठाओ, फोन उठाओ पॉल। मैं यहाँ पर घटनास्थल पर हूँ और एक कॉम्पैक्ट कार सामने से आ रही एक ट्रक से टकरा गई है। इस दुर्घटना में दोनों ड्राइवर्स की मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि कॉम्पैक्ट कार के ड्राइवर ने फोन पे बात करने की वजह से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो दिया। मेरे घर से निकल जाओ। चली जाओ मेरे घर से, मैं नहीं चाहता कि तुम यहां रहो। ये मेरा घर है, यहां मेरा राज चलता है। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्माओं को साक्षी मानकर मैं तुम्हें आदेश देता हूं, यहां से चली जाओ। ये क्या?
चाहे कुछ भी कर लो, मैं बाहर नहीं आऊंगा। सोचो सोचो, और जेमी, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं डरी हुई थी, मैं गुस्से में थी। तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा भरोसा नहीं किया, इसलिए मैं गुस्से में थी। मुझे डर लग रहा था, पर सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। मेरी बात सुनो, उस घर को छोड़ दो प्लीज। बेबी वहाँ से चले जाओ, किसी भी तरह। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कॉल करना। मैट, तुमने मेरे मैसेज सुने? हाँ बेबी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। प्लीज घर वापस आ जाओ। नहीं 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 बेबी, मैं नहीं हूँ बेबी। मैट, I love you, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। पॉल और मैंने पूरा घर साफ कर दिया, पर भी घर साफ है। अगर ऐसा नहीं, भगवान के लिए चुप हो जाओ। नहीं कहता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? बेबी मैं सच कह रहा हूँ, तुम पॉल से पूछ लो। हे जेमी, यहाँ सब कुछ ठीक है, हमने पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी कर ली। जेमी, जेमी, नहीं ये मैं नहीं हूँ जी, जेमी। ठीक है, मैट से कहो मैं वापस आ रही हूँ। थैंक यू। नो 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 नो। हाय, मैं लिज जोहानसन बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन जब से हम इस घर में आए हैं, आज पहली बार बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ, तुम मेरे लिए भगवान के दूत हो।